बाहुबली के लिए डर रहे हो क्या? जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। दोनों बाहुबली में क्या फर्क? क्यों महेंद्र अपने पिता जितने खास नहीं? स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट लीजेंडरी मूवी फ्रेंचाइजी बाहुबली के बारे में। वैसे तो आप सभी को दोनों ही बाहुबली के बीच में कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक सेफ मूव के तौर पे आपको बता दें, देवसेना के हस्बैंड और भल्लाल देव के भाई ताम्रेंद्र बाहुबली और उनके बेटे जिन्हें राजमाता शिवगामी देवी झरने के नीचे ले गई थी, वो थे महेंद्र बाहुबली। पार्ट वन में हमने देखा कि अमरेंद्र हर तरह से एक काफी योग्य राजा थे, जो कि अस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या में बहुत ही ज्यादा काबिल थे। उन्होंने महेश्मति साम्राज्य को काफी ज्यादा सरलता से संभाला था। वहीं दूसरी ओर भल्लाल देव चाहे एक नेगेटिव कैरेक्टर था, लेकिन उन्होंने भी महेश्मति को एक शानदार और स्ट्रॉन्ग राजा की तरह हैंडल किया। लेकिन हमारे महेंद्र बाहुबली, जो कि भल्लाल देव को मारकर अब महेश्मति के ऑफिशियल नए राजा है, लेकिन एक्चुअल में वो राज्य अच्छे से संभाल पाएंगे या नहीं, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। इसकी वजह ये है कि महेंद्र बाहुबली चाहे अपने पिता जैसे शक्तिशाली और महान योद्धा हैं, लेकिन राजपाट संभालना और शास्त्र विद्या उनके पास नहीं है। जहां अमरेंद्र बाहुबली महेश्मति के सबसे बेस्ट योग्यवान लोगों से ज्ञान प्राप्त किया था, वहीं अमरेंद्र के पास ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है। वो झरने के नीचे वाले गांव में बड़े हुए, जिस वजह से बाहुबली 3 में वो राज्य को संभालने में स्ट्रगल करते नजर आ सकते हैं। लेकिन उनके लिए ये ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि उनके पास उनकी धन है, दौलत है और साथ ही साथ माँ भी है। राजमाता देवसेना बाहुबली की पूरी तरह से हेल्प करेगी, जिस वजह उन्हें किसी तरह की मुश्किल नहीं होने वाली है। आपके अकॉर्डिंग अगर दोनों ही बाहुबली 1-to-1 कॉम्बैट करें एक दूसरे के खिलाफ, तो जीत किसकी और क्यों होगी? अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।